परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोहर जननी शिशि लक्ष्मीमा परम पूज्यपाद शिशि बड़दा परम पूज्यपाद शिशि दादा अजीर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्तों का चरण मोर प्रणाम आज आप लोगों के सामने मैं आलोचना करना चाहता हूँ परिवर्तन एक जघन्य अपराध करने वाला एक आदमी को परम पुरुषो पुरुषोत्तम शिशि ठाकुर अंकुर चंद्र जी ने कैसे उनका परिवर्तन किया उसके ऊपर एक आधारित जीवंत बात जीवंत कथा आपके सामने में कहना चाहता हूँ आश्रम का एक कर्मी प्रबुद्ध प्रलुब्ध होकर एक बार जघन्य अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया आश्रम के युवकगण उसकी पिटाई की बहुत पिटाई की किस एवं उसे आश्रम से भगा देने की तैयारी भी कर ली क्योंकि इतना जघन्य अपराध आश्रम रे रहने से ए आश्रम का ख्याति पहुंचा सकता है इसी वजह से उसको निकल देने का संकल्प कर लिए वो गुरु भाई लोग ये बात पता चलते ही शशि ठाकुर आश्रम के चारों पांचों युवकों को नजदीक बुलाकर बहुत धीमा स्वर में बोले मेरे प्यारो तुम लोग यदि उसको किसी भी तरह से तंग नहीं करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी ये बात शिशि ठाकुर को लोग की बता दिए युवकों की योजना पूर्ण होने के पहले ही समाप्त हो गया उनका जो योजना था कि उसको भगा देने का वो योजना संपूर्ण नहीं हुआ इस घटना लगभग तीन महीने तक वो युवक शशि ठाकुर के समक्ष तो आता ही नहीं था लाज के कारण लोगों को भी उनका मुंह दिखा नहीं पाया एक दिन सुबह के समय शशि ठाकुर पार्लर में बैठे थे उस युवक ठाकुर बंगला के दीवार से सट कर मैंने चुपके, चुपके से चुपके से चोरी की तरह कहीं जा रहा था शि ठाकुर का उस पर नजर पड़ गई जब नजर पड़ गई उल्लसित स्वर में पुकारते हुए बोले ये सुनो सुनो मेरे नजदीक आओ युवक शिशि ठाकुर की आवाज सुनकर वो धीरे धीरे उनके पास आ गया मन ही मन सोचने लगा वो दुर्बुद्ध वो बदमाश आदमी मन ही मन सोचने लगा आज शशि ठाकुर उसको सभी के सामने दंडित और पता नहीं क्या सजा देंगे ये मन में मन ही वो सोचने लगा लाज की मारे मुंह नीचे करते हुए शिशि ठाकुर के सम्मुख आकर प्रणाम करके खड़ा हो गया शशि ठाकुर बहुत संत स्वर में पूछे तुम क्या ज्योतिष जानते हो वो आश्चर्य हो गया अरे ठाकुर मेरे को तो सजा देने वाले थे कुछ ना कुछ गाली देने वाले थे मगर ठाकुर पूछ रहे कि तुम क्या ज्योतिष जानते हो पसीने से जो वो भीग गया था युवक दीर्घ स्वास छोड़ते हुए बहुत तीक् स्वर में बोला नहीं ठाकुर ठाकुर बोले ज्योतिषी सीखना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ज्योतिषी अच्छी तरह से सीखना चाहिए वो विस्मित हो गया ठाकुर क्या बोल रहे हैं मेरे को उसकी बाद युवक हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से बोला ठाकुर मैं तो पंडित नहीं हूँ सिर्फ आठवीं श्रेणी व आठवीं कक्ष तक पढ़ाई किया हूं शशि ठाकुर बहुत उत्साहित स्वर में बोले उतनी पढ़ाई काफी है आश्रम जो अष्टम श्रेणी तुम पढ़ाई की हो तो अष्टम श्रेणी बहुत है अष्टम श्रेणी तक की पढ़ाई क्या कम है उतने में ही काम हो जाएगा तत्पश्चात शिशि ठाकुर एक सेवक को इशारा करके ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक को जो कि कुछ दिन पहले कलकत्ता से मंगाकर यति आश्रम में रखा दिया था जो किताब सब वो लाने के लिए बोले शिसी ठाकुर पुस्तक को युवक के हाथ में देकर बतलाए कि किस पुस्तक को बाद में कौन सी पुस्तक कैसे पढ़ना चाहिए कैस, कौन सा पुस्तक किसके बाद में पढ़ना चाहिए सब कुछ ठाकुर धीरे धीरे बतलाए युवक पुस्तकों को हाथ में लेकर शशि ठाकुर को प्रणाम किया सर उठाते ही शिशि ठाकुर बहुत प्यार भरे स्वर में बोले सुनो सारे दिन तो मुझे फुरसत नहीं रहती है दोपहर में खाने के बाद मैं जब तमाक़ू पीता हूँ उस समय मेरे पास आकर बोलो या जो जो तुम पढ़ाई किए हो वो सब मेरे को बतलाओ क्या क्या पढ़े हो क्या क्या समझे हो पढ़ाई करने में कोई असुविधा तो नहीं है इस सब बात तुम मेरे को रोज आकर बताना जाओ आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो दूसरे दिन से ही शशि ठाकुर की परिकल्पना अनुसार युवक ने ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई शुरू हो गई नित्य दिन भोग के बाद तमाकू पीने के समय शशि ठाकुर के पास ये युवक आने लगा शिशि ठाकुर उससे पूछते ही थे कौन कौन अध्याय पढ़ाई की है कौन कौन के ग्रह के समावेश से क्या फल मिलता है पूरे विषय की ठीक तरह से समझ हो या नहीं पा रहे हो प्रयोजन अनुसार किस तरह पढ़ाई करना है यही सब बात परामर्श देते थे शिशि ठाकुर इस तरह का सिलसिला एक महीना दो महीना तीन महीना इससे चलते 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 लगातार ढाई साल तक ढाई वर्षों तक चलता रहा एक दिन शशि ठाकुर के एक भक्त भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री प्राप्त श्री किरण मुखर्जी जनरल मैनेजर इच्छापुर राइफल फैक्ट्री पश्चिम बंगाल और आश्रम आए थे शिशि ठाकुर उनसे पूछे कि किरण तुम क्या अपने जन्म पत्र लाए हो किरण चंद्र ने बोला कि ठाकुर जन्म कुंडी मेरे पास है वो मेरे को दे दो ठाकुर बोले किरंदा बोले जी ठाकुर लाया हूँ शशि ठाकुर उस युवक को जन्म पत्र दिखाने वाले दो दिनों के बाद किरंदा का शशि ठाकुर के नजदीक आकर बोले ठाकुर इस युवक का तो अद्भुत ज्योतिष विद्या व ज्योतिष ज्ञान है मैं लंदन अमेरिका जर्मन रूस इत्यादि देशों में जो हम ऑफिशियली जो हम यात्रा करते हैं उसी दौरान बहुत बड़े बड़े ज्योतिष को मेरा ये कुंडली दिखाई है जो जो ये बात बोले वो ज्योतिषों लोग ये आप जो मेरे को दिए ये ज्योतिष भी सेम बात बोल दिए ज्योतिष का अपना जन्म पत्र दिखा लाया हूं वो लोग जो जो बोले थे वो सब तो ये युवक बता दिया इससे अलावे अन्य ज्योतिष जो सब बातें बतलाना नहीं पाए थे उसे भी इसने बता दिया मुझे तो लगता है एक एक बहुत बड़ा ज्योतिष है इसको ज्योतिष शास्त्र की असीम ज्ञान है शिशि ठाकुर किरण दा की बातें सुनकर कोई मंतव्य नहीं किए दोपहर में समय ये युवक जब शिशि ठाकुर के पास आया तो वो बहुत गर्व के साथ बोले सुनो तुम्हारे संबंध में किरण क्या बोल रहा था मालूम है तुम एक अद्भुत ज्योतिष हो तुम्हें जो कितना ज्योतिष का ज्ञान है उसका तुमको अनुभव भी नहीं है तुम कितना ज्ञानी हो तुमको भी अनुभव नहीं है सिर्फ एक छोटा सा चरित्र है तुम्हारा उसे तुम त्याग कर दो मेरे प्यारे तुम उसको त्याग कर दो तब तुम्हारे और कितना असंभव को संभव कर दोगे उसका कोई ठिकाना नहीं है ये युवक लाज के मारे संकुचित होकर आत्म प्रचार के आनंद में दीप्तिमान हो गया ठाकुर के चरण में साष्टांग दंडवत करके अश्रु भरे नयन से आवेग सहित स्वर में बोला मैं आपकी दया से वैसा ही करूँगा आप जो चाहते हैं मैं अपना स्वभाव जरूर सुधार लूंगा ऐसा कहने के समय युवक को आंखों में आत्म संबोधन की दृढ़ संकल्प दिखा दिया श्री ठाकुर भी प्रणय प्रदीप्त स्वर में बोले मुझे विश्वास है तुम जरूर एक ज्योतिष अच्छा ज्योतिष बन पाओगे और तुम्हारा ज्ञान और ज्यादा हो जाएगा शिश्री ठाकुर का ये दिव्य प्रकाश अपस्थित सभी ने अनुभव किया जीवन ज्योति से ये बात संग्रहित किया गया था तो एक कैसे दुर्दांत बदमाश आदमी का कैसे ठाकुर उद्धार किए इसके बारे में मैं आज आलोचना किया ये जीवंत बात आप लोगों को कैसे लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं नई नई बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु